take the M898 exit to Erskine Bridge, Erskine. हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जा रहे थे डे ट्रिप के लिए, तो सोचा कि क्यों ना आज आपको भी दिखाते हैं कि हम लोग किधर गए और क्या किया और कितना अच्छा व्यू था, कहाँ कहाँ हम लोग गए, कैसे कैसे साइट्स पे व्यू नज़र आए, कितने अच्छे अच्छे हमें देखने को मिली चीज़ें। तो लेट्स गो, चलें फिर। हम लोग सुबह को रेडी हुए बच्चों के साथ, बच्चों की चीज़ें ली, उनको खिलाया पिलाया और फिर हम लोग निकले मॉर्निंग के कोई 9-10 o'clock। तो ये स्कॉटलैंड में हम लोग हैं और स्कॉटलैंड का ये जर्नी तो था हमारा ग्लासगो से, हमने इनवरेरी कैसल जाना था और वहाँ जाके हमने वो कैसल देखना था। लेकिन आपको मैं एक और बात बताऊँ कि इस व्लॉग में वो पूरा हम नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आपको नेक्स्ट व्लॉग भी देखना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। तो आप देखिए हम लोग जा रहे हैं, कितना अच्छा व्यू है, रास्ते में कितनी अच्छी अच्छी जगह आ रही थी देखने को, क्या क्या मिल रहा था ग्रीनरी और कितना अच्छा लग रहा था सारा व्यू। तो बच्चों ने भी बीच में कार में शोर किया हुआ था कुछ, वो भी आपको साथ साथ सुनने को मिल जाएगा। इसके अलावा तो वेदर बहुत अच्छा था, जब हमने प्लान किया तो बहुत अच्छा वेदर था और बहुत अच्छी ड्राइव रही, बीच में हल्की फुल्की बारिश भी हुई। अच्छा, बारिश का एक और चक्कर है, बारिश का यहाँ पे ऐसा है कि आपको ये नहीं मालूम कि नेक्स्ट आवर बारिश होनी है या नहीं होनी। समटाइम हम फोरकास्ट चेक करते हैं वेदर का, लेकिन वो उसके बरक्स निकल आता है। जैसे हम लोगों ने देखा कि बारिश होगी वहाँ पे जहाँ पे हमने जाना है, तो हमने अपनी ब्रॉलीज वगैरह भी उठाई, जैकेट्स भी उठाई। गर्मी थी, वार्म डे था, इतना वार्म भी नहीं था, लेकिन बारिश के लिए हमें जैकेट्स तो दरकार थी ना, तो वो तो लेनी थी। सो एनीवेज हम लोग निकले लेके और वहाँ पे जब हम पहुँचे तो वो आपको दिखाएंगे कि नेक्स्ट व्लॉग में कैसे क्या क्या था वहाँ पे, इतना खूबसूरत जगह थी वहाँ पे, हमने क्या क्या किया, क्या देखा। फिलहाल तो यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे घर थे रास्ते में, वहाँ देखने के लिए साथ साथ बने हुए कोई शॉप्स थी और बहुत अच्छा लोकेशंस कितनी अच्छी अच्छी आ रही थी देखने के लिए। दिल कर रहा था कि बस हम बस कार चलती जाए नॉन स्टॉप और देखें नेक्स्ट। आप भी थोड़ा थोड़ा आपको भी दिखाते हैं कि कैसे था, और आपको याद होगा कि जैसे पाकिस्तान में बारिश होती है तो हमारा दिल करता है पकौड़े बनाएं, समोसे बनाएं, वो इंजॉय करें चाय का कप। इस वेदर को देख के भी यही दिल कर रहा है कि भाई साथ में कोई पकौड़े बना ले, तो बस पकौड़े हों और हम लोग खाएं और चाय का मज़ा लें, साथ में बारिश का मज़ा लें। तो बारिश तो थी बीच में, ऑन एंड ऑफ हो रही थी, मतलब कभी होती थी कभी नहीं होती थी, लेकिन बहुत अच्छी फवार पड़ रही थी, बहुत अच्छा, एकदम से डार्क हो जाता था, एकदम से बादल आ जाते थे और थोड़ा थोड़ा सा मतलब वार्म भी था। तो देखें कितनी अच्छी जर्नी रही, और जहाँ पे हमने जाना है वहाँ पे भी बहुत खूबसूरत जगह है, वो आप कैसल आपको अंदर से भी दिखाएंगे उसको, और कैसे वो है बना हुआ उसका, आपने स्टार्ट में उसकी मैंने पिक्चर लगाई है, आपने ज़रूर देखी होगी कि किस तरह का है। तो एनीवेज ये हमारा आज का फर्स्ट व्लॉग है, तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि कैसा लगा। एंड हमने थोड़ा सा छोटा बनाया है कि थोड़ा नेक्स्ट में आपको बताएंगे कि किस तरह से नेक्स्ट हमारा किस तरह करना था ट्रिप, तो उसके लिए थोड़ा सा सरप्राइज भी है, तो उसके लिए तो फिर आपको देखना पड़ेगा।